दोस्तों, अगर आपका HDFC बैंक में खाता है और उसमें ईमेल आईडी आपकी नहीं डली हुई है या डली थी वो बंद हो गई, तो कैसे नई ईमेल आईडी ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं? इसके लिए देखिए, प्ले स्टोर से आपको HDFC मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और यहाँ पे अपना यूजर और पासवर्ड डालना है। अगर पहली बार आप यहाँ पर ओपन कर रहे होंगे तो आपको फर्स्ट टाइम यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया हुआ है और यूजर और पासवर्ड डाल के यहाँ पर मैं लॉगिन करूँगा। तो यहाँ पर देखिए, मैंने लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे जो है इस तरह से ये ओपन हो जाएगा। अब आपको ऊपर की साइड पे 3 डॉट जो है दिखाई दे रहे होंगे, उस पर क्लिक करना है और नीचे आपको जो है लॉग आउट के ऊपर और प्रोफाइल दिखाई दे रही है, उस पर क्लिक करना है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि आपकी प्रोफाइल यहाँ पर ओपन हो चुकी है। अब आपको आधार एंड पैन के नीचे एक कॉन्टैक्ट दिखाई दे रहा है, उस कॉन्टैक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी ईमेल आईडी डली होगी वो दिखाई दे रही होगी और नीचे आपको एक चेंज का ऑप्शन भी दिखाई दे रहा होगा। तो सिंपल सा हम चेंज वाले यहाँ पर जो है क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर हम नई ईमेल आईडी डालेंगे, यानी कि जो हम नई अपडेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम जो है 2 बार अपनी नई ईमेल आईडी को डाल के कन्फर्म कर देंगे। हमारे इस ईमेल पर एक OTP जाएगा, वो OTP मुझे जो है यहाँ पर वापस से डाल के कन्फर्म कर देना है। उसके बाद जो है यहाँ पर दोबारा आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर भी एक OTP जाएगा, तो यहाँ पर मैं जो है कन्फर्म कर दूंगा। कन्फर्म करने के बाद हमारे जो है नंबर पर एक OTP गया, वो OTP को डाल के यहाँ पे मैं कंटिन्यू करूँगा। उसके बाद आप अपने ATM की डिटेल यहाँ पर डालेंगे, यानी कि ऊपर साइड पे आपको ATM का पिन डालना है, नीचे उसकी एक्सपायरी डेट होगी वो डाल देंगे। सबमिट करते ही आपका नया ईमेल आईडी यहाँ पर अपडेट हो चुका है। आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, कोई डाउट हो कमेंट करें। धन्यवाद।